नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जैसा कि हमने कहा कि 234 एक मेजर रेजिस्टेंस है, टेक्निकली वैसा ही दिख रहा है। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड एक ट्रैप है और 8 से 10% का इंट्राडे, 8 to 10% इंट्राडे मूव इस स्टॉक में दिखने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके वैलिडेशन को आगे समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें। पिछले 1 मंथ के ट्रेंड थोड़ा कंसोलिडेट फॉर्म में रहा है, जिसके कारण ये ट्रेंड ओनली 3.5% का दिख रहा है। लेकिन मेरे पर्सनल व्यूज इस स्टॉक में स्ट्रांग है। रिसेंट के कुछ न्यूज तो नहीं दिख रहे हैं, एक बार इसके डिलीवरी को देखेंगे तो जो हिस्टोरिकल डिलीवरी है वो काफी बेटर दिख रहा है। 68 to 70% तक के भी डिलीवरी इस स्टॉक में दिखे हैं और कॉमनली 60% का डिलीवरी तो दिखता ही है। टेक्निकल ट्रेंड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेक्निकली ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन सेक्टर के कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म है। रिसेंट के अपडेट्स को देखेंगे तो कुछ बहुत बड़े अपडेट्स इस समय इस स्टॉक में नहीं दिख रहे हैं। सभी अपडेट्स अगर आप इस स्टॉक में इस समय देखेंगे तो सभी कॉमनली अपडेट्स ही है। आज के काम काज को देखें तो ईएमओ ऑर्डर देखेंगे तो 3,10,227 दिख रहा है। अर्लियर ये 2 लाख के आसपास का ईएमओ ऑर्डर था, ये कितना 225, यानी लोग समझ रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये डाउन ट्रेंड एक अपॉर्चुनिटी है। 1,76,00,000 के वॉल्यूम रहे, जिसमें माल कितना परसेंट गया है, 60% एज इट इज, जो कॉमनली डिलीवरी देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल डाटा को देखेंगे तो यहां पाएंगे कि अर्लियर भी अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो ये वॉल्यूम तो 1 CR के ऊपर जा ही नहीं रहा था। इस समय जो वॉल्यूम है वो 4 CR, 3 CR, अगेन 1.76 CR दिखा है और 232 के लेवल्स के हाई बनाए हैं। इसीलिए हमने कहा कि 234 के लेवल को ध्यान दें। अब इसके चार्ट को देखेंगे तो इस समय थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इसके ऊपर खरीदेंगे तो लेट हो जाएगा। ये एक ट्रेंड अभी भी हायर हाई हायर लो, यहां धीरे धीरे माल को एक्युमुलेट करें बिटवीन 208 to 224, ये लेवल पे एक्युमुलेट करें। यहां इसके ऊपर एवरेज आउट कर सकते हैं, जहां पोटेंशियली 260, 340 और 500, ये अगेन एंड अगेन मैं टारगेट को रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। तब तक स्टॉक वीक नहीं होगा जब तक 208 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होता है।